नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञान न्यूज। मैं आपके साथ अंशु शर्मा और रुख करते हैं खास खबरों की ओर। बुलंदशहर में बेसिक शिक्षा विभाग में टीचर्स अटेंडेंस रजिस्टर में घपलेबाजी का मामला सामने आया। प्राथमिक स्कूल में प्रधानाध्यापिका ने अटेंडेंस रजिस्टर में अपनी अनुपस्थिति के ऊपर अलग से पेपर चिपकाकर अटेंडेंस लगाई। प्रधानाध्यापिका के द्वारा अटेंडेंस रजिस्टर में की गई घपलेबाजी का वीडियो वायरल हुआ। अटेंडेंस रजिस्टर में घपलेबाजी की वायरल वीडियो पर बीएसए ने एबीएसए की कमेटी में जांच बैठाई। बुलंदशहर बीएसए अखंड प्रताप सिंह ने कहा, जांच आने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विशेष संवाददाता आनंद सिंह की रिपोर्ट। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो नवादा गांव का बताया जा रहा है, जिसमें एक महिला शिक्षिका के द्वारा जो अनुपस्थिति को उपस्थित दर्शाया जा रहा है। सर, ये क्या मामला है और इसमें क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई है? ये प्रकरण जो है हमारे संज्ञान में आया है, उसकी जांच के लिए हमने खंड शिक्षा अधिकारी को जो है निर्देश दिया है। जांचोपरांत जो भी दोषी होगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर, ये कौन से गांव का वीडियो बताया जा रहा है? ये जो है प्राथमिक विद्यालय नवादा। जी, तो वहाँ पर ये जो महिला शिक्षक हैं, प्रधान अध्यापिका हैं सर वहाँ पे? वहाँ अध्यापिका जी। अब ये जांच के उपरांत जो है जो भी स्थिति होगी और जो भी दोषी होगा उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, इस तरह के जो कृत्य है उसको आप कितना गलत मानते हैं सर? ये तो बहुत ही जो है गंभीर मसला है जी। आप जांच रिपोर्ट के बाद ही जो है उस पर निर्णय लेंगे कि क्या कार्रवाई की जाएगी। तो सर, कब तक इसी जांच पूरी हो जाएगी? एक सप्ताह के अंतर्गत हमने जो है जांच के लिए किया है और एक सप्ताह के अंतर्गत वो जांच करके रिपोर्ट हमको उपलब्ध कराएंगे। तो ये थी फिलहाल की कुछ खास खबरें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए ज्ञान न्यूज। नमस्कार।